उत्तर प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के बहुत बड़े बड़े नेता लगातार जाकर कहते रहे कि वहां कानून व्यवस्था का राज है, अपराधी या तो जेल में हैं या यूपी छोड़कर भाग चुके हैं। तो कभी अमित शाह का ये बयान आता रहा कि 12 बजे रात को महिलाएं सोने का गहना लाद कर सुरक्षित जा सकती हैं, लेकिन उससे उत्तर प्रदेश में दावों के ठीक उलट पुलिस के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। फर्जी इनकाउंटर कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस, लोगों को घर से उठाकर पिस्टल सटाकर मार दे रही है और उसे इनकाउंटर का नाम दे रही है। अब चर्चा इन बातों की उत्तर प्रदेश में होने लगी है, और उसमें भी सबसे बड़ा ही विरोधाभास, उत्तर प्रदेश अपराध में कहीं भी नीचे नहीं, चाहे वो महिलाओं के प्रति अपराध हो, चाहे जातिगत उत्पीड़न। और अब उसी उत्तर प्रदेश में ये बात खुलकर हो रही है कि जाति देखकर किसी को गोली मार दिया जा रहा है और किसी को सरेंडर कराया जा रहा है। विपक्ष और तमाम लोगों के परिवारजन ये सवाल पूछ रहे हैं, मंगेश यादव से लेकर इंदल पटेल तक इसके कुछ उदाहरण हैं जिस पर आज के वीडियो में पड़ताल करेंगे। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क, में हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के दावों के इतर भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर कुछ बेहद जरूरी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दावा किया जा रहा था कि अपराध खत्म हो रहे हैं और कानून व्यवस्था का राज हो रहा है, लेकिन उससे उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में अपराधियों को जाति देखकर मारने की बात सामने आ रही है, यानी अपराधी की भी जाति और मजहब देखा जा रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें लगातार सवाल उठाए गए कि कोई अगर मुसलमान अपराधी हुआ तो उसके घर पर बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया गया, कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई अति पिछड़ा हुआ तो उसे मार दिया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर ऐसे तमाम आरोप खुले लगाए जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने स्वजातीय अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, बचा रहे हैं। विपक्ष और तमाम लोगों के इन आरोपों पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, और उल्टे योगी आदित्यनाथ अहंकार से चूर होकर, कोई यादव है जिसका समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता भी नहीं, दिखा नहीं, वह अगर आरोपी बताया गया एक बैंक डकैती में सुल्तानपुर में, और उसे पुलिस एनकाउंटर में मार रही है, अभी मैं उसका किस्सा एक एक करके बताऊंगा। और हमला किस पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी पर, कि उनके गुर्गे, ये भाषा है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, उनके गुर्गे अपराधी जो है, जब पुलिस अपना काम कर रही है उन्हें मार रही है तो उनको दर्द हो रहा है, ये भाषा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। हम उस मुख्यमंत्री से क्या ही उम्मीद करें जिसने 2024 के भारत में खुलेआम जातिवाद का नंगा नाच किया, और बाहर कहीं किसी चुनावी भाषण में नहीं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के भीतर, और बार बार इस घटना को एक लिटमस टेस्ट की तरह आपको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री का काम यह है कि वो अपराधियों की जाति और मजहब पर फोकस करे, जबकि नियम और कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है कि अपराधी अपराधी होता है वो किसी भी जाति और धर्म का हो, और कानून के मुताबिक उसे कड़ी से कड़ी सजा जांच करके दोषी पाए जाने पर दी जानी चाहिए, किसी भी जाति का हो। आपको याद है अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को इतना बड़ा पेश किया गया कि वो माफिया है, और उसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जिनकी जाति ठाकुर की है, खुद ये बताते हैं, हालांकि योगी की कोई जाति होती नहीं, उनकी जाति के माफियाओं की सूची सोशल मीडिया पर तैरती रहती है, एक का भी इनकाउंटर छोड़िए सा, वो सुरक्षा में चलते हैं,
उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, लेकिन सब मसीहा हैं। और माफिया कौन है मुख्तार और अतीक, ये फर्क क्यों है? ये सवाल उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता उसी मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछ रही है कि गोमती नगर में पानी भरने के बाद कुछ लफंगे अगर एक महिला के साथ बदतमीजी करते हैं और उसमें कई लोगों का नाम आता है, 16 लोगों का, सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री एक विपिन यादव और एक अरबाज यानी एक यादव और एक मुसलमान का नाम क्यों लेते हैं और सद्भावना ट्रेन चलाने की बात करते हैं कि इन पर बुलेट ट्रेन चलेगी। साफ पैगाम है उत्तर प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था का शासन नहीं रहा, बुलेट ट्रेन चलाने की धमकी और जाति देखकर, अपराधी देखकर नहीं, कि अपराधी देखकर होता तो उसी गोमती नगर की पूरी सूची मुख्यमंत्री पढ़ते, उसमें तिवारी भी, मिश्रा भी, उसमें संवर्ण भी, उसमें पिछड़े भी, दलित भी, लेकिन मुख्यमंत्री यादव और मुसलमान पढ़ते। ये सवाल अब बढ़ते बढ़ते मंगेश यादव और इंदल पटेल तक पहुंच गया है। 2 और 3 सितंबर को कैसे, मतलब पूरी घटना कैसे हो रही है? सुल्तानपुर में मुठभेड़ होती है 5 सितंबर को और मंगेश यादव को मार दिया जाता है पुलिस मुठभेड़ में, और मंगेश की मां शीला देवी अपने पैतृक जौनपुर के बक्सा पुलिस स्टेशन के हाउस स्पीकर को संबोधित एक शिकायत में कहती हैं कि मेरे बेटे को ले गई पुलिस और उसे गोली मारकर हत्या कर दी। शीला देवी आरोप लगाती हैं कि पुलिस हिरासत में रहते हुए पुलिसकर्मियों ने मंगेश यादव की हत्या कर दी। 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार के इलाके में 5 अज्ञात लोगों ने बंदूक की नोक पर एक मशहूर आभूषण की दुकान को लूटा। उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी हुई, दिन दहाड़े लूट हो रही है, नकाब पहनकर बंदूक लगाकर उत्तर प्रदेश में लूट की गई, 5 लोग लाखों रुपए के आभूषण लेकर भाग गए। सीसीटीवी की वीडियो वायरल हो गई और वो वीडियो आप भी देखे होंगे। धज्जियां उड़ गई उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की। अब पुलिस के कानून व्यवस्था के उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल उठा, तो 2 और 3 सितंबर को रात के 3:40 पर पुलिस ने बताया कि उन्होंने सुल्तानपुर के गोदावा इलाके में एक इंटर कॉलेज के पास कथित मुठभेड़ में अपराध के 3 आरोपियों को पैरों में गोली मारी। ध्यान से पूरा घटना समझिएगा, उनमें से 2 को दाहिने पैर में गोली लगी और 3रे को बाएं पैर में। पुलिस ने बताया कि सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन कोरी के रूप में पहचाने गए 3 लोगों से 15 किलो छाती भी बरामद हुई। उनका एक पुलिस कांस्टेबल शैलेश राजभर घायल हुआ और उनसे पुलिस ने वही कट्टा बरामद किया। और एक अन्य आरोपी विपिन सिंह, 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे विपिन सिंह के ऊपर, इस डकैती में भी आरोपी पुलिस को सरेंडर करता है। रायबरेली की अदालत में पहले से एक मामला जो चल रहा था, उस मामले में विपिन सिंह जाकर सरेंडर करता है और उसे बहुत दूल्हे की तरह पकड़ करके उत्तर प्रदेश पुलिस हाथ पकड़, न कोई हाथ में हथकड़ी, न कोई रस्सी, न कोई खातिरदारी, सम्मान के साथ, एहतराम के साथ विपिन सिंह को पुलिस ले आ रही है। तस्वीर वायरल हो। 4 सितंबर को पुलिस महानिदेशक ने बाकी अपराधी 10 अपराधियों पर 1-1 लाख का मुकदमा घोषित किया। इसी में एक नाम मंगेश यादव का भी होता है। 5 सितंबर की सुबह यूपी एसटीएफ कथित मुठभेड़ में मंगेश को मार डालती है और मंगेश का परिवार राकेश यादव कहते हैं कि 3 सितंबर को सुबह 2 बजे अगरौरा गांव में उनके घर सादे कपड़ों में पुलिस वाले आए और उनके बेटे को उठा ले गए। 2 दिन तक हिरासत में रखा, परिवार को कुछ भी नहीं बताया और 5 तारीख को फर्जी मुठभेड़, ये परिवार का आरोप है, मार डाला। मां आरोप लगा रही है, बहन आरोप लगा रहे, पिता आरोप लगा रहे।
और एनकाउंटर में भाग लेने वाले सारे आरोपी, और यही बात विपक्ष पूछ रहा है, चाहे वो संजय सिंह हो चाहे वो अखिलेश यादव, कि मुख्यमंत्री की जाति का अगर कोई है तो सरेंडर होगा, और कोई मंगेश यादव है तो गोली मार दी जाएगी। एसटीएफ ऑपरेशन का नेतृत्व धर्मेंद्र कुमार शाही ने किया, जिसकी पत्नी ऋतु शाही गोरखपुर में भाजपा की कार्यकर्ता है। 3 सितंबर को यूपी राज्य महिला आयोग में धर्मेश शाही की पत्नी ऋतु शाही को महिला आयोग की सदस्य भी बना दिया गया, और इस तरह से कहा गया कि वह जब तस्वीर आई मुस्कुराते हुए एसटीएफ की, चप्पल पहने हुए था वो, सैंडल कोई पहने हुए, और ये दुर्दांत अपराधी मंगेश को दौड़ाकर गोली मार देते हैं। अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी का सुल्तानपुर डकैती में शामिल लोगों से गहरा रिश्ता है, इसलिए मुख्य आरोपी से संपर्क किया और उसे सरेंडर करा लिया, जबकि दूसरे आरोपी से पैर में गोली मरवा करके उनको वापस बुला लिया। आप कल्पना करिए कि इस तरह के पूरे सवाल किस तरह से पुलिस के जातिवादी चरित्र को उजागर करने लगे। अखिलेश यादव ट्विटर पर लिख रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देता है। फर्जी एनकाउंटर समाधान नहीं, कानून का व्यवस्था का समाधान होना चाहिए। और फिर एसटीएफ के चप्पल से वही कहानी आगे बढ़ी कि अचानक देर रात किसी हमारे मुखबिर ने बताया कि जो मुख्य आरोपी लोग हैं, संदिग्ध लोग, फला जगह से फला जगह जा रहे। पुलिस को सूचना मिली, तुरंत पुलिस हरकत में आई, 2-3 तरफ से घेर लिया, उसने पुलिस पर हमला कर दिया, जवाबी कार्रवाई में मारा गया। उसके पास से एक बंदूक कट्टा बरामद हुआ, अंधेरे का फायदा उठाकर उसका दूसरा साथी फरार हो गया। मैंने किताब लिखी प्रोफेसर की डायरी, और उसमें एक बात समझानी थी मुझे कि विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए जो इंटरव्यू होते हैं उनमें पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है कि किसका अपॉइंटमेंट होना है, और बाकी फॉर्मेलिटी केवल औपचारिकता निभाने के लिए होती है। और मैंने प्रोफेसर की डायरी में ये बताया है कि जैसे पुलिस को अधिकांश मामलों में पता होता है कि किसे गोली मारनी है किसे नहीं मारनी, पुलिस के लोग ये रिटायर्ड जो हो चुके हैं, चाहे वो वीएन राय से लेकर के तमाम पुलिस अधिकारी साफ यही बात कह रहे हैं, हैदराबाद से लेकर के उत्तर प्रदेश, गुजरात से लेकर के बिहार तक पुलिस के स्क्रिप्ट की ऐसी ही कहानी होती है, स्क्रिप्ट भी नहीं बदली जाती और चप्पल पहन करके एनकाउंटर हो जाता है। तो मंगेश यादव मारा जाएगा, विपिन सिंह बरी किया जाएगा, और ये उत्तर प्रदेश में जाति देखकर सद्भावना ट्रेन चलाने वाला मुख्यमंत्री का राज्य है। और जब पत्रकार मंगेश के घर पहुंचे तो दुर्दांत अपराधी मंगेश, उसका घर देख करके लोगों के आंसू आ गए, करोड़ों रुपए की लूट लेने वाला अपराधी, दुर्दांत अपराधी, उसके घर में खाने और रहने तक की जगह नहीं, कहन पहनने को साफ कपड़ा भी नहीं, और गोली मार दी उसे एसटीएफ ने। कल्पना करिए मंगेश का फोटो देखिए और गोली मारना, अपराध की सजा न्यायालय देता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई न्यायालय में अगर आरोप साबित हो जाए तो होना चाहिए। लेकिन ये 2 तस्वीरें बताती हैं विपिन सिंह और मंगेश यादव की। और ठीक ऐसी घटना आगे बढ़ी जब तो उसी उत्तर प्रदेश में इंदल पटेल नामक एक व्यक्ति ललितपुर एक ठाकुर जाति के अपने दोस्त के साथ भट्टे का बिजनेस कर रहा होता है, 50-50 के शेयर में दोस्ती होती है, अचानक कुछ दिन बाद पता चलता है कि 7 लाख रुपए का 7 लाख रुपए का ईंट बेच दिया उसके दोस्त ने, और उस ईंट को बताया नहीं कि उसको बेच दिया है, और जब बेच दिया तो पता चला जब उसे तो उसने उनसे बात की तो उसने उन्हें बेरहमी से पीटा,
इंदर पटेल को बेरहमी से पीटा। भागा वो, घर पहुंचे ठाकुर जाति के दबंग, घर पे आग लगा दी, जो सामान मिला उसे तोड़ा, घर को तहस नहस कर दिया। इंदर पटेल इतनी बुरी हालत में है कि वो तीसरी बार रेफर किया गया है और मीडिया बता रही है कि कुछ दबंगों ने पैसे के लेन देन में हमला कर दिया। ये उत्तर प्रदेश है, और सही कहा संजय सिंह ने, स्पेशल टास्क फोर्स की बजाय ये स्पेशल ठाकुर फोर्स बन गई है। और अगर ठाकुर है अपराधी तो उसे गोली नहीं मारी जाएगी, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चले। बीएचयू के छात्रा गैंगरेप मामले में आरोपी बरी हो गए, किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला। विपिन सिंह के घर पे अभी तक बुलडोजर नहीं चला, जो दो दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज है। मंगेश यादव मार दिया गया, विपिन सिंह आज सरेंडर कर चुका है। ये उत्तर प्रदेश में खुलेआम हो रहा है, ये कानून का राज है। बधाई उत्तर प्रदेश के लोगों को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जिसने सदन में एक यादव और एक मुसलमान का नाम लिया था, और इस एनकाउंटर के बाद बड़ी अश्लीलता के साथ उसने कहा कि ये दुर्दांत अपराधियों को मारा, पुलिस मार रही है, पुलिस किसको मार रही है और किसको छोड़ रही है। इस देश में इनकाउंटर के नाम पर सिनेमा ही नहीं बना, आयोग भी बना, जो ये बताता रहा कि पुलिस कैसे दुरुपयोग करती है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।